ओके तो गाइस थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस तरह का एडिटिंग करने वाले हैं। बट गाइस मैं आप लोगों को फिर भी बता दूं कि आज इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को पिक्सेट एप्लीकेशन से कुछ इस तरह का सोशल मीडिया कैरेक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूं। तो गाइस अगर आपको भी अपने फोटो को सेम टू सेम कुछ इस तरह का एडिटिंग करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वाले वीडियो को एंड तक देखते रहना ताकि आपको एडिटिंग सीखने में कोई दिक्कत ना आए। ओके गाइस तो चले फिर बिना किसी वेट किए आज की कमाल की वीडियो को आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को अपने मोबाइल में पिक्सेट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको प्लस आइकॉन पर क्लिक कर देना है और प्लस आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। तो नीचे पे आप लोगों को बहुत सारा कलर्स का बैकग्राउंड देखने को मिलेगा तो यहाँ से आप लोग किसी भी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। ओके तो फिलहाल के लिए मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस टूल आइकॉन पर क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद मैं क्रॉप आइकॉन पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। तो साइड में देखना एक इंस्टाग्राम का पोर्ट्रेट ऑप्शन नज़र आ जाएगा आपको, तो वहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। ओके और इसके बाद ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है और ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद एक बैकग्राउंड को ऐड कर देना है। तो वैसे भी पीजी एंड बैकग्राउंड का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ओके तो गाइस इसके बाद आपको ड्रॉ टूल पर आना है और ड्रॉ टूल पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको ऐड फोटो पर क्लिक कर देना है। तो ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको फोटो आइकॉन पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आपको एक इंस्टाग्राम पीएनजी को ऐड कर देना है। तो पीएनजी को मैं इस जगह में इसको ऐड कर लेता हूँ और ऐड करने के बाद आपको स्क्रीन पर टच कर देना है। ओके तो टच करने के बाद अपने आप ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ओके तो इसके बाद आपको एम्प्टी लेयर को ओपन कर लेना है एंड इसके बाद यहाँ से और एक एम्प्टी लेयर को क्रिएट कर लेना है। ओके तो गाइस एम्प्टी लेयर को क्रिएट कर लेने के बाद आपको नीचे कलर आइकॉन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों को इस कलर को सेलेक्ट कर लेना है। ओके और ऊपर से राइट क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको ब्रश आइकॉन पर क्लिक कर देना है एंड ब्रश की साइज को आप लोग 70 का आसपास रख देना है एंड ओपेसिटी को 100 कर लेना है एंड हार्डनेस को 0 कर लेना है एंड जूम एबिलिटी को आपको टिक कर देना है एंड यहाँ से आपको सेट कर देना है। ओके तो गाइस इसके बाद आपको अपने बैकग्राउंड में छोटा सा डॉट कर लेना है ऐसे और इसके बाद आपको अपने पीएनजी के ऊपर इसको ऐड कर देना है। ओके तो इससे हमारा इंस्टाग्राम का पीएनजी में थोड़ा सा शाइनिंग इफेक्ट आ जाएगा। और इसके बाद आपको यहां से नॉर्मल की जगह इसको लाइटन कर लेना है। ओके एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना है यानी कि कम कर लेना है 80 के आसपास। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा शाइनिंग इफेक्ट कितना अच्छे तरीके से क्रिएट हो चुका है। ओके तो गाइस इसके बाद मैं ऊपर से राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डिस्कट पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड सेव होकर बैक आ गया है अपने पिक्सेट एप्लीकेशन में। ओके तो गाइस इसके बाद आपको अपने फ़ोटो को ऐड कर देना है। तो फोटो को ऐड करने के बाद आपको अपने फ़ोटो को कटआउट कर लेना है। तो इससे पहले आप लोग अपने फ़ोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लेना है। तो क्रॉप आइकॉन पर क्लिक कर लेता हूँ मैं, इससे हमारा फ़ोटो को कटआउट करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ओके तो गाइस इसके बाद कटआउट आइकॉन पर क्लिक कर देना है और ऊपर से आपको कट कर देना है यहाँ से एंड इसके बाद आपको अपने फ़ोटो को ऐसे जूम कर देना है एंड जूम करने के बाद कुछ इस तरीके से अपने फ़ोटो के बाहर साइड से इसको पेंट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर लेता हूँ। ओके तो गाइस पेंट कर लेने के बाद आप लोगों को ऊपर एरो आइकॉन पर क्लिक कर देना है और यहां से आप लोग प्रीव्यू पर क्लिक कर देना ताकि आप लोग देख सकें कि हमारा फ़ोटो ठीक तरीके से कटआउट हुआ है कि नहीं। अगर ठीक तरीके से कटआउट नहीं हुआ है तो आप लोग ब्रश से इसको ठीक तरीके से कटआउट कर लेना। ओके तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर लेता हूँ। ओके और हाँ गाइस अगर आपको अपने फ़ोटो को ठीक तरीके से कटआउट करने नहीं आता तो मैंने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ हूँ, आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। ओके ओके तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोटो को एकदम परफेक्टली कटआउट कर लिया हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ अपने फ़ोटो को। ओके तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ इस जगह में और इसके बाद मैं इरेज आइकॉन पे क्लिक कर लेता हूँ और हार्डनेस को थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर लेता हूँ, मतलब कि कम कर लेता हूँ एंड ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम एंड साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ एंड कुछ इस तरीके से अपने पैर के नीचे से इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके ओके तो गाइस यहाँ पर हमारा इतना तक एडिटिंग हो गया है। तो इसके बाद आपको ऊपर राइट क्लिक कर देना है ऊपर से। ओके ठीक है तो गाइस इसके बाद आपको अपने कपड़े पर थोड़ा सा शाइनिंग इफेक्ट क्रिएट करना है। तो इसके लिए आप लोगों को ड्रॉ टूल पर आना है। तो ड्रॉ टूल पर आने के बाद आपको क्या करना है आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना।
सबसे पहले तो आपको कलर आइकन पर क्लिक करना है एंड इसके बाद इस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको इस कलर को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद ब्रश आइकन पर क्लिक करना है ओके। एंड यहाँ से साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना है एंड ओपासिटी को भी थोड़ा सा कम कर लेना है एंड हार्डनेस को थोड़ा सा कम कर लेना है मतलब कि 1 कर लेना है एंड यहाँ से सेट कर देना है ओके। एंड इसके बाद आपको अपने कपड़े पर या फिर अपने बॉडी पर कुछ इस तरीके से शाइनिंग इफेक्ट क्रिएट करना है। तो गाइस आप लोग इसको एक बार में ही इसको क्रिएट कर लेना, आप लोग ब्रश से एक बार में ही अपने शाइनिंग इफेक्ट को क्रिएट कर लेना ताकि दिखने में भी अच्छा लगेगा ओके। ओके तो गाइस इसके बाद आपको एम्प्टी लेयर को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद आपको नॉर्मल की जगह स्क्रीन कर लेना है यहाँ से एंड इसकी ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर लेना है ओके 50 के आसपास ठीक है। तो गाइस इसके बाद आपको और एक एम्प्टी लेयर को क्रिएट कर लेना है यहाँ से और एम्प्टी लेयर को क्रिएट कर लेने के बाद आपको कलर आइकॉन पर क्लिक कर देना है और कलर आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको अगेन इस आइकॉन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोग इस कलर को सेलेक्ट कर लेना ओके। और इसके बाद ब्रश आइकॉन पर क्लिक करना है और ब्रश की साइज़ को इंक्रीज कर देना है एंड ओपेसिटी को भी इंक्रीज एंड हार्डनेस को 0 कर लेना है और यहां से सेट कर लेना है ओके। एंड इसके बाद आपको ऐसे जूम आउट कर लेना है एंड कुछ इस तरीके से अपने फोटो पर इसको अप्लाई कर देना है ओके। और सेम टू सेम आपको इसको भी नॉर्मल की जगह स्क्रीन पर रख देना है एंड ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है ओके। और इसके बाद आपको ऊपर से राइट क्लिक कर देना है और यहाँ से डिस्कट पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे हमारा फोटो बैक आ गया है पिक्सेट में। और इसके बाद आपको ऐड फोटो पे क्लिक करके एक पीएनजी को ऐड कर देना है ओके। तो यहाँ से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ एंड इसकी ब्लेंडिंग मोड को मैं चेंज कर लेता हूँ। और पीएनजी की ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ और ऊपर से मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ ओके। ओके तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो कितना ऑसम से दिखने लगा है। सो गाइस अगर आपको एडिटिंग पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटे को ऑल पर भी क्लिक कर देना ओके। तो गाइस इसको फुल HD में सेव करने के लिए आप लोगों को ड्रॉटल पर आना है और 3 डॉट वाला आइकन पर क्लिक करके इसको सेव इमेज कर देना है ओके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो ओके गाइस।